हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 अप्रैल 2020 और आज हम लोग करेंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और जो भी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उस पहल का नाम है करुणा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। करुणा पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? सिविल सेवा अधिकारियों के एसोसिएशन के द्वारा। और इस पहल में शामिल कौन कौन है? तो इस पहल में शामिल है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और अन्य राज्य सेवाओं में लगे अधिकारी शामिल हैं। करुणा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव देश में भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी को कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव देश में भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया कराया जाएगा। इसके पहले मालदीव में कुछ ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था जिसमें से एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था मालदीव सरकार का तख्ता पलट की कोशिश को बेअसर करने के लिए और इसे लॉन्च किया गया था 1988 में। ऑपरेशन नीर का संचालन मालदीव में आए पेयजल के संकट से निपटने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एक्वेरिन है, जो भारत और मालदीव के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जब हम मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है माले। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं अभी करेंट में वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो उनका नाम है बिल विदर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। बिल विदर ग्रैमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक अमेरिकी गीतकार, गायक और गिटार वादक थे। और ये कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं? तो ये 3 बार ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने 9 एल्बम बनाए थे और उनमें से जो इनका पहला एल्बम था वो था जस्ट एज आई एम, जो आया था 1971 में। और इनके नाम से जो आखिरी एल्बम है उसका नाम है वॉचिंग यू वॉचिंग मी, जो आया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के जो भी वर्तमान में महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस नाम का एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर को बनाया है? उस वेंटिलेटर का नाम है प्राणवायु। प्राणवायु है जो कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर है, जिसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT रुड़की के द्वारा। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा एक कम लागत ऊर्जा वाला वेंटिलेटर को बनाया गया था, उसका नाम था जीवन। और दूसरा एक स्वदेशी वेंटिलेटर को बनाया गया था जो IISc बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था और जिसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट प्राण। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB और AIIB ने
भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कितना बिलियन डॉलर का ऋण देने का घोषणा किया है? तो ये 6 बिलियन डॉलर का ऋण देने का घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ADB के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था भारत के विकास के दर का, वो है 4%। 2020-21 में ये 4% रहेगा। और फिच रेटिंग्स के अनुमान को, जो भारत का विकास दर 2% तक घटा दिया गया है, वो उसका पहले अनुमान था 5.1%। अब हम बात करते हैं ADB की। तो ADB का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966। अब हम बात करते हैं ADB की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। और जो वर्तमान में ADB की प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मात्सुगु अस्कावा। क्या नाम है? मात्सुगु अस्कावा। अब हम AIIB की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 जनवरी 2016। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और इसके जो वर्तमान में भी प्रेसिडेंट हैं, वो है जीन लिक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने फीफा 2020 अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसे स्थगित कर दिया गया है नवम्बर 2020 तक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और फीफा 2020 अंडर-17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है, जो कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा भारत में। फीफा का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1904 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिवंगत को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है? कोबी ब्रायंट को इस सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोबी ब्रायंट को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये अपने 8 अन्य सदस्यों के साथ इस मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे। कितने सदस्यों के साथ? 8। और उनका नाम क्या क्या है? तो उनका नाम देख लेते हैं। कोबी ब्रायंट, टीम डंकन, केविन गार्नेट, टामिका कैचिंग्स, एडी सुटन, रूडी टॉम जानोविच, किम मुल्की, बारबरा स्टीवंस और पैट्रिक बाउमन। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्धन लोगों को किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार की सुविधा मिलेगी? तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस योजना के तहत लोगों को कोविड-19 परीक्षण और उपचार की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना से 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर नागरिक हैं, जो लाभान्वित होंगे और इन्हें मुफ्त में ये सुविधाएं मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो ये एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। कितने लाख रुपए का? तो ये है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। और इस योजना में जो केंद्र का योगदान होता है, वो 60% योगदान होता है, और बाकी जो योगदान होता है, वो है राज्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में माधवीपुरी बूच को सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कितने महीने के लिए विस्तार किया गया है? तो इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करते हैं सेबी की। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके जो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हैं, वो हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट है, हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है नवीन पटनायक जी को, जो अभी ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इन्हें यह अवार्ड मिला है पेटा इंडिया के द्वारा। और पेटा इंडिया है क्या? तो पेटा इंडिया है जो पशु के अधिकारों के लिए फाइट करती है।
नवीन पटनायक जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड का नाम है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। अभी पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए जो राशि आवंटित की गई है उसके लिए पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और पशुओं के जो भरण पोषण करने के लिए जो राहत कोष का जो फंड है वो है 54 लाख रुपये। फ्रेंड्स, मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस पेज को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।